इस तरह के इंडेक्स जब भी आते हैं याद रख लिया करिए और इनके बारे में विस्तार से पढ़ भी लिया करिए, क्योंकि आप लोग पेपर उठा के देखिए हर साल आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, फिर चाहे वनडे एग्जाम में देख लीजिए आप लोग या फिर स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में देख लीजिए, तो बड़े अच्छे से पढ़ के जाया करिएगा, ठीक है। और आपके जो महत्वपूर्ण संगठन है और जो वो रिपोर्ट जारी करता है एक उन्हें भी याद रख लिया करिएगा, क्योंकि देखते हैं आप लोग कि हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनसे, इसीलिए बोलता हूँ कि 5 से 6 साल के क्वेश्चंस पेपर पुराने देख लिया करिएगा, कम से कम पता तो चल जाता है कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अभी हाल में ही आपने देखी है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी की गई है। ग्लोबल स्मार्ट सिटी की सूची में भारत के 4 बड़े शहरों जिसमें आप नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर की रैंकिंग में गिरावट आई है, वहीं सिंगापुर इस सूची में सबसे ऊपर है। नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, अगर मैप्स में इन्हें बताऊं आपको तो देखिए ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। और इसमें हम लोग बात करें तो भारत के दिल्ली आप जानते हैं, आपकी राजधानी है दिल्ली, मुंबई ये है, हैदराबाद ये है आपका तेलंगाना हैदराबाद, और बेंगलुरु ये है बेंगलुरु कर्नाटक, ठीक। और सिंगापुर की अगर हम बात करें जो नंबर टॉप पर है ये है सिंगापुर आपका, ठीक है। देखिए ये है सिंगापुर, दिख रहा है सिंगापुर, आप लोग अगर अधिकतर सोचते भी हैं सिंगापुर घूमने के लिए तो याद रखिए नंबर 1 पर आपका सबसे ऊपर कौन सा है, सिंगापुर, ये भी पूछ लेगा आपसे। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो यह इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD द्वारा सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन यानी कि SUTD के साथ मिलकर जारी किया जा गया है। सबसे पहले तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये कोई भी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स हो गया, इसे जारी कौन करता है, तो याद रखिए इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एवं डिजाइन के साथ मिलकर ये जारी करती है, ठीक है। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स के तहत शहरीकरण की कमियों को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी विकास के आधार पर रैंक दी जाती है। इस इंडेक्स को तैयार करते समय कोरोना काल में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका को भी ध्यान में रखा गया है, यानी कि इसमें कोरोना काल में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका रही है इसको भी इस बार ध्यान रखा गया है। इसमें ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 की सूची में हैदराबाद को 85वां और 2019 में ही 67वां स्थान था। तो आप लोगों को बता दूं कि कई बार देखते हैं आप लोग कि पुराने भी आंकड़े पूछ लिए जाते हैं, तो 2019 में हैदराबाद को कौन सा नंबर था, 67वां, और 2020 में 85वां। आपको हमारे भारत के जो शहर हैं इन्हें जरूर याद रखना है, सिंगापुर पहले नंबर पर है इसे याद रख लीजिए और बाकी अपने देश के याद रख लीजिए, बाकी को पढ़ लीजिए। तो 85वें नंबर पर आपका हैदराबाद, दिल्ली की बात करें तो 86वें नंबर पर और 2019 में 68वें स्थान पर था, यानी कि हम नीचे गिरे हैं। वहीं मुंबई की बात करें तो 93वें रैंक रैंक पर है और बेंगलुरु आपका 95वें रैंक पर है, जबकि साल 2019 में मुंबई को आप लोग 78 और अब 2019 में कितना था, 78वें, और 2020 में 93वें, और बेंगलोर की बात करें तो 2019 में 79वें स्थान पर था और अभी यानी कि 2020 की बात करूं तो 95 रैंक दी गई है इसे, ठीक है। रैंकिंग में गिरावट के अगर कारणों की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार भारत के शहरों नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर की रैंकिंग में उल्लेखनीय गिरावट का मुख्य कारण तकनीकी विकास का ना होना है, आप समझ रहे हैं। एक बात आप लोग हमेशा याद करिए, किसी भी अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो मुझे लगता है इससे शिक्षा बेहतर करिए आप लोग, गरीबी का आप लोग कहें कि गरीबी योजनाएं लाकर आप लोग खत्म कर दें या देश को पावरफुल कंट्री बनाना है यानी कि शक्तिशाली देश बनाना है, तो इसे एक ही इसका सॉल्यूशन है आपके पास, शिक्षा दीजिए सबको, समझ रहे हैं। आज हमने रफेल खरीदे, हमारे पास इतनी अच्छी तकनीकी नहीं है कि रफेल जैसी अच्छे विमान बना सकें, इसलिए हम लोगों ने फ्रांस से खरीदे हुए, और अगर हमारे पास तकनीकी होती होती तो हम लोग उससे बेहतर बना रहे होते, चाइना जैसे देश हमसे डर रहे होते, हम कई देशों को निर्यात भी कर रहे होते ऐसे रफेल, हमारी इज्जत भी होती, हमारी अर्थव्यवस्था में भी एक तरह से पूरी सहयोग देता, योगदान देता। आज हम
शिक्षा और तकनीक अपने आप शिक्षा, आप ही सोच लीजिए कि आप किसी, वही कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति को मछली दान में देने से अच्छा है कि उसे मछली पकड़ना सिखा दीजिए। दान कितने दिन आप दोगे उसे पकड़ के, कितने दिन दे सकते हो? लेकिन अगर उसे पकड़ना सिखा दिया तो वो अपना पेट तो भर ही लेगा, साथ में वो किसी और की मदद भी करेगा। आप हजारों योजनाएं लाते रहिए गरीबों के लिए, आपकी आधे से ज्यादा अधिक रुपया बीच में ही गप हो जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी का कथन आप लोगों ने सुना होगा कि मैं 1 रुपया ऊपर से बेचता हूँ, 10-12 पैसे नीचे पहुंचता है, बीच का साफ हो जाता है। तो अगर शिक्षा होगी बेहतर, सब कोई जागरूक होगा, तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में हम लोग प्रगति करेंगे। एक घर में अगर 5 लोग 5 ही पढ़े लिखे होंगे तो आप सोचिए उन्हें, आपको उनकी मदद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उल्टा देश की तरक्की में यानी कि देश की विकास दर में भी अपना योगदान करेंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं 1947 के आजाद होने के बाद हमारा एक तरह से नेताओं ने मतलब बेवकूफ बनाने का काम किया है। और अगर आप सभी लोग पढ़ लिख गए तो आप अंधभक्ति पर, जाति पात पर वोट क्यों देंगे? आप तो मुद्दे वो होंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस तरह के मुद्दों पर वोट देंगे आप तो। और नेता कभी नहीं चाहेंगे कि आप इस तरह के वोट दीजिए, इस तरह के। दिल्ली का हालत देखा तो है? दिल्ली में आपने देखा है आप लोगों ने किस नाम पर दिया? काम के नाम पर वोट दिया ना, तो बाकी ने क्या सोचा है? अगर दिल्ली जैसी जनता पूरे देश की हो जाए तो मुझे लगता है चाइना को छोड़िए, एक दिन हम अमेरिका को भी टक्कर देंगे। चाइना 1949 में जाकर आजाद हुआ, हम 1947 में आजाद हो गए। हम लोग चाइना में अभी भी हकीकत है, शायद कड़वा सच जिसे सुनना पसंद होगा और जान सकते हैं, तो हमसे कई गुना आगे चाइना है। और ये सोचिए कि कुछ दिन में आप देखिए जीडीपी में हम लोग चाइना, अमेरिका से आगे पहुंचकर नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। एक समय आप देखते थे कि चाइना अमेरिका पर निर्भर था, आज अमेरिका को टक्कर दे रहा है। आज हमारा पड़ोसी नेपाल हमसे आंखें, जो हमारी गोदी में बैठा रहता था, हमारे पैरों के नीचे रहता था, आज वो हमें भी झड़पी देने लगा है। तो देखिए, अगर मुझे लगता है कि पावरफुल बनना है, शक्तिशाली बनना है, तो ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट पड़ना अगर बंद होना होगा। आज केरल को आप ले लीजिए, केरल हर रैंकिंग कोई भी आती है आप देखते हैं केरल नंबर 1 पर रहता है हमारे देश में। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे वहां पढ़े लिखे लोग हैं। शिक्षा में देख लीजिए, स्वास्थ्य में देख लीजिए आप लोग, रोजगार में देख लीजिए, महिलाओं की स्थिति में देख लीजिए, लिंगानुपात में आप देखिए केरल नंबर 1 पर है। तो ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि हमें खुद सोचना होगा, नेताओं की गलती नहीं है उसमें, हम भी उतना ही जिम्मेदार हैं जितना कि वो नेता है। ठीक है, खैर छोड़िए, ये बातें अलग हैं, आप लोगों का है, आप लोग जिस नाम पर वोट देना चाहें उसी का भुगतान करना पड़ेगा आपको। आपके आप भी कर रहे हैं, आपके दादा परदादा करते थे और आने वाली पीढ़ी भी करती रहेगी। भारतीय शहर कोरोना वायरस से ज्यादा प्रभावित हुए हैं क्योंकि वे इसके लिए तकनीकी रूप से तैयार नहीं थे। आप सोचिए कि कोरोना महामारी ने बहुत कुछ हमें सिखाया है, ये मत कहिए कि हमसे छीन के ले गया है। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को आपने देखा है कि पूरी तरह से उजागर कर दिया है कि सुधार करने की आवश्यकता है। दूसरा मुद्दा आप देखिए कि हमारे नेताओं की असलियत दिखा दी है, असली चेहरा, जो नकाब डले हुए थे मतलब वो हटा दिए। कि आपने किसी नेता को रोड पर चलते हुए मजदूरों की मदद करने के लिए नहीं भेजा, देखा भी नहीं होगा कि आपकी मदद के लिए कोई आ रहा है। आपकी मदद के लिए कोई आया है तो कई संगठन आए हुए और आपके पड़ोसियों ने आपकी मदद की है, इसीलिए बोलता हूँ कि पड़ोसियों से हमेशा बना के चलिए। नेता बहुत मतलबी होते हैं, कहावत है ना कि ये अपने बाप के नहीं होते हैं, तुम्हारे क्या होंगे। तो इसी के साथ इन शहरों में एक समस्या वायु प्रदूषण की भी रही है। अगर रैंकिंग में 10 शहरों की बात करें टॉप की, तो सिंगापुर, हेलसिंकी, ज्यूरिख, ऑकलैंड, ओस्लो, कोपेनहेगन, जेनेवा, और उसके बाद देखेंगे ताइपे, एम्स्टर्डम, न्यूयॉर्क। ठीक है, इसमें मुझे लगता है कि सिंगापुर या तो टॉप पूछेगा या फिर पूछ लेगा आपसे कि भारत के शहरों के बारे में पूछ लेगा। हो सकता है कि इन शहरों में अगर कोई चर्चा में रहेगा तो उनके बारे में पूछ सकता है, तो इन्हें याद रख सकते हैं आप लोग। इस साल की रैंकिंग में यह भी बताया गया है कि अलग अलग शहरों में टेक्नोलॉजी के विकास को लेकर अलग अलग धारणाएं, आप अप्रोच हैं, क्योंकि महामारी से निपटना प्राथमिकता बन गई है। हालांकि आईएमडी के प्रोफेसर का मानना है कि कोरोना के प्रभाव को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन तकनीकी विकास ऐसे संकट से निपटने में ज्यादा मदद करता है। ठीक है, तो ये है आपका ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स की कहानी। इनके बारे में जो भी पॉइंट हैं इन्हें आप लोग बड़े ध्यान से याद रखिए। ठीक है।